छोटे छोटे रजवाड़े होते थे, उस समय की बात पंजाब जो भारत से वर्तमान पाकिस्तान तक पांच नदियों के बीच बसा क्षेत्र, उसमें एक छोटा सा रजवाड़ा जिसकी राजधानी मानकपुर थी और वहां के राजा मदनपाल थे। मदनपाल की दो रानियां थी, एक कमला और एक चपला रानी। कमला रानी अत्यंत खूबसूरत भी थी और राजा उसे बहुत लाड़ लड़ाते थे। चपला से पूरे दिन कमला अपना हुक्म बजवाया करती, लेकिन क्योंकि कमला को कोई संतान नहीं हुई, इसीलिए राजा ने चपला से दूसरी शादी की थी। कुछ दिन ईश्वर की कृपा हुई और चपला रानी को एक सुंदर सा लड़का पैदा हुआ, जिसके पैर में छह अंगुलियां थी, दाएं पैर में छह अंगुलियां थी। पंजाब देश के अंदर मानकपुर राजधानी थी। पंजाब देश के अंदर एक मानकपुर राजधानी थी। मदनपाल थे राजा वहां के, कमला चपला रानी थी। कमला चपला रानी थी जी, कमला चपला रानी थी। कमला रानी बड़ी खूबसूरत, राजा लाड लड़ाते थे। मिसलवादियों की भांति चमला चपला से काम कराते थे। कुछ दिन बाद चपला के पेट से सुंदर सा एक लाल हुआ। सारे शहर में खुशी हुई, कमला का हाल बेहाल हुआ। जब एक सुंदर सा लाल पैदा होता है चपला के पेट से, तो कमला को उससे ईर्ष्या हो जाती है। उसके मन में ये बात घर कर जाती है कि राजा अब तुझसे कभी लाड़ नहीं लड़ाएंगे, तेरे को आगे नहीं रखेंगे। अब तो सारी पूछ इस राजमहल में जो होगी वो चपला की होगी। ईर्ष्या से भर जाती है। जब जच्चा के बाहर निकलने का टाइम आया और बच्चे के नामकरण का संस्कार होना था, राज पंडित जो थे वो जब आए हुए थे, तो दासी के माध्यम से वो कमला रानी महल के अंदर राजपुरोहित को, राज पंडित को बुला लेती है और उसको अपना फरमान सुनाती है। और वो क्या कहती है, कर जोड़ के दा दशरथ
राजा मत ने सुनाऊं हाल मेरा बेहाल हो जा चपला रानी ते समंदर बन गई मैं तो सुखा ताल हो जा मैं अनपुती रही रोमती रही उस शोक के लाल हो जा मैं अनपुती रही रोमती रही उस शोक के लाल हो जा इस बेल इस फल ने बेल तको चला